तो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं रामनवमी का वोकैब बनाऊंगी क्योंकि रामनवमी आ गई है पास, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैं बोलने वाली हूँ वो सरप्राइज क्या है। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, हमने पहले से आउटलाइनिंग करके रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट इधर कलर करना स्टार्ट कर दिया है। हम मुटुक को कलर करने के लिए 3 कलर का यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ही लाइट येलो है, फिर जाके बहुत ज़्यादा डार्क है, और एक मीडियम में। और हम कभी भी ऑब्जर्व करके बनाना चाहिए हमें, क्योंकि किधर कौन सा कलर है जो दिखता है असल में वैसा होता नहीं, कलर यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो फोटो को जूम कीजिए, जूम करके देखिए किधर कौन सा कलर आ रही है। और हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, मुटुक लगभग होने वाला है। तो आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए। और क्या होता है, ब्रश कलर पेंसिल में जब भी हम जितना भी डार्क करा हो या फिर नहीं, लेकिन उसमें बीच बीच में डॉट डॉट आ जाती है, तो आप अगर ब्लाइंडिंग करना चाहते हो अच्छी तरह से, तो कॉटन में थोड़ा सा वैसलीन लीजिए। वैसलीन लेने के बाद वहाँ पर ब्लेंड कर दीजिए, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, यही मशवरा मैं देना चाहूँगी। और हेयर पे डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ नहीं कीजिए, पहले ब्राउन कलर लीजिए, ब्राउन के ऊपर ब्लैक लीजिए, तो थोड़ा सा वो रियलिस्टिक दिखता है और अच्छा एक लुक आता है, तो वही यूज़ कीजिए। फिर यहाँ पे हमने डायलॉग वगैरह कर दिया है और आगे की वीडियो देखिए विद म्यूजिक। जो मैं YouTube में भी पोस्ट करूंगी और आप लोग को पता चलेगा कि वो कौन है। आपके लिए ही सरप्राइज है, सो प्लीज वीडियो को देखना। हाँ, आपके लिए ही है, तो देखना जरूर। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो होगा सब्सक्राइबर को बनाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका ही पोर्ट्रेट बनाऊंगी। सो बाय।